सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 10th क्लास में सॉलिड ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जो HP पर खड़ा है और जिसकी एक भुजा धरातल के समानांतर है। तो हमें एक घन दिया हुआ है, घन में 6 फलक होते हैं और ये 6 के 6 बराबर इसमें 6 वर्ग बनते हैं, 6 साइड इसकी होती है। तो आपने इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। ये है हमारी XY रेखा है और इसमें हमने 4 सेंटीमीटर की भुजा इस घन की है, तो हमने लगभग इसका सेंटर लेना है। तो हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं बीच में। ये हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि लगभग हमारा बीच में हमारी आकृति बन जाए इस तरह से। तो यहाँ से हम नीचे को लेंगे 1 सेंटीमीटर डॉटेड इस तरह से, आप देख सकते हैं, और ये हमारा है 4 सेंटीमीटर। ये एक हमारी भुजा आ गई है, इस भुजा का नाम हम दे देते हैं सी और डी। यहां से हमने 90 डिग्री पे रेखा लेनी है, क्योंकि जो वर्ग होता है ये, इसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें 6 वर्ग बनते हैं, इसमें जो वर्ग होता है वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। तो ये हमारा वर्ग है और ये भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी 4 सेंटीमीटर भुजा आ गई है और यहाँ पे भी हमने इसमें वर्ग लेना है। इस तरह से ये हम देख सकते हैं, ये आपकी भुजा आ गई है और यदि आप यहाँ देखें तो ये बिल्कुल 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पुट्टे से 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे यहाँ से, इस तरह से, और इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे ए और बी इस तरह से। इसी तरह से हमने इसके ऊपर भी प्रोजेक्शन लेने हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे इसकी जो हाइट है, क्योंकि ये वर्ग है तो इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बिल्कुल बराबर होगी। इस तरह से हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं और यहाँ से भी हमने 4, ये आप देख सकते हैं 4 है। तो यहाँ से हमने इसी के समानांतर हमने सीध में अपने फुट्टा रखना है और यहाँ से हमने ये 4 सेंटीमीटर लेना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल 4 सेंटीमीटर है। ये आप देखिए यहाँ पे, और हमने इसको मिला देना है 4 सेंटीमीटर को इस तरह से। और ये हमारा, इसके जो नाम आएंगे, ये हमारा है ई, ये है एफ, ये है आपका ए यति के साथ है, और ये हमारा बी यति के साथ। इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 27 है, ये बन के तैयार हो जाए। अगला हम इसमें बनाएंगे प्रश्न नंबर 28। एक घन वर्गाकार HP पर खड़ा है और XY के साथ 30 डिग्री का कोण दाईं ओर बनाता है, उसका सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो अभी घन हमारा जो था वो XY के साथ रखा हुआ था, अब जो है ये HP पर पड़ा है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये भी घन ही है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे XY रेखा लेनी है और यहाँ से हमने 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये जो आपका कोण होता है, इसमें मैंने पहले भी आपको बताया है, ये हमारा कोण 30 डिग्री का है। तो हमने यहाँ से जो है वो 30 डिग्री का कोण इसमें बनाना है, यहाँ से बना लेते हैं 30 डिग्री का कोण इस तरह से। तो हमने यहाँ पे लाइन लगानी है, इस तरह से हम लाइन लगाएंगे और बाद में हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे यहाँ से। ये हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तक हमने डॉटेड लाइन लगानी है, फिर हम इसको ऐसे डार्क लगा देंगे। इसकी भुजा है
4 सेंटीमीटर, तो यहां से हम जो है वो 4 सेंटीमीटर काट लेते हैं। यहां देख सकते हैं हमारा 4 सेंटीमीटर है और यहां पे ये एंगल आ रहा है, ये है 30 डिग्री का। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट इसमें बताया था, जो हमने पहले प्रश्न किया था कि हमने इसमें 90 डिग्री कोण बनाने होते हैं, तो यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ से ये आपका 4 सेंटीमीटर है इस तरह से, और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर आएगा हाइट इसकी, और 90 डिग्री पे ही आएगा इस तरह से। तो हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ये जो आपकी दूरी आएगी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल 4 सेंटीमीटर आ रही है। इसको भी हम जो है वो इस तरह से मिला देते हैं, इसके नाम हम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये आपका है डी, और ये जो पॉइंट आपका है ये है सी। अब हमने क्या करना है, इसके हमने प्रोजेक्शन लेने हैं एक्स वाई पर। तो हमने यहाँ से सबसे पहले, जैसे हमारा ये डी पॉइंट है, हमने डी पॉइंट से प्रोजेक्शन लेना है डॉटेड, हम एक्स वाई तक पहले इसका प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ से इस तरह। अब हम लेंगे ये ए का प्रोजेक्शन, देख सकते हैं, और अब हम लेंगे सी का प्रोजेक्शन यहां से, इस तरह से हम लेंगे बी का प्रोजेक्शन इस तरह से। यहां से ऊपर हमने हाइट लेनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, तो यहां से 4 सेंटीमीटर ले लेंगे यहां से, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये हम यहां से डार्क लाइन लगा देंगे। उसके बाद ये आपका है ए, तो ए की जो है वो लाइन डॉटेड आएगी। हमने सेट स्क्वायर को अच्छे से सेट करना है एक्स वाई के साथ, यहां से ये आपका 4 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से हमने डॉटेड लाइन लगानी है। ये आप देख सकते हैं ये जो हमारा है ये ए यति के साथ है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसके, बी यति के साथ है, ये सी है, और ये हमारा बी है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा डी है, एक्चुअल में ये हमारा डी है, तो यहाँ से ये हमारा सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट से भी हमने सीधी रेखा लगानी 90 डिग्री पे, ये आपके आगे इस तरह से, और ये हमारा है बी पॉइंट है, तो बी से भी हमने 4 सेंटीमीटर की रेखा बिल्कुल सीधी लगानी है इस तरह से। अब हमने ऊपर से इन रेखाओं को मिला देना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब ये हमारा बी डी जो है ये डबल यति के साथ आएगा, ये हमारा ए है, ये सी, और ये हमारा है बी इस तरह से। ये हमारा प्रश्न नंबर 28 है, ये हमारा बनके तैयार।